हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद शगुन। आज हम बनाएंगे एक यूनिक फालूदा रेसिपी जो है रसमलाई फालूदा, और एकदम फटाफट बनाएंगे। 5 मिनट में तो आपकी फालूदा रेसिपी बन जाएगी, और वो भी बिना फालूदा सेव के। तो हम कैसे बनाते हैं देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और ये जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसके ऊपर क्लिक करना, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक छोटा सा मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, इसमें 1.5 बड़े चम्मच सब्जा सीड डाल दीजिए और 1/4 कप पानी डाल दीजिए। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो ये हमारे जो सब्जा बीज है वो फूल के अच्छी तरह से हो जाएंगे, तो इसे रेस्ट पे रख दीजिए। दूसरी तरफ गैस पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, और पानी को हमें खोलने देना है, अच्छी तरह से इसे गर्म करना है। जब पानी उबल जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कप सेवैया, और ये सेवैया भुनी हुई सेवैया है, तो आपको इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करेंगे, उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच जितना तेल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जो सेवैया है हमारी एकदम खिली खिली बनेगी। मिक्स कर दीजिए और उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे उसे पकने दीजिए। तो सेवैया 1 से 1.5 मिनट में तो ये पक जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो 1-1.5 मिनट के बाद देख सकते हो कि सेवैया सॉफ्ट होने लगी है। तो अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे, और ये जो थोड़ा सा भी पानी है वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, यानी कि सेवैया इसे चूस लेगा पानी, तो हमारी सेवैया भी एकदम खिली खिली बनेगी। तो गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सेवैया भी ठंडी हो चुकी है और सब्जा सीड्स भी पानी में भीग चुके हैं और एकदम फूल चुके हैं। अब हम फालूदा का लेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा कांच का ग्लास लिया है। सबसे पहला लेयर हमने यहाँ पे किया सेवैया का, तो 3 बड़े चम्मच सेवैया डाल दीजिए। आप देख सकते हो सेवैया कितनी खिली खिली बनी है। आप इस तरह से बनाओगे तो सेवैया खिली खिली बनेगी। आपके पास अगर फालूदा सेव हो तो आप उससे भी बना सकते हो, पर सेवैया से भी ये जो फालूदा है बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे रसमलाई लाई थी, तो जो रसमलाई का जो रबड़ी होता है उसके 4-5 बड़े चम्मच डाल दिए हैं, और आप चाहो तो घर पे भी रसमलाई बना सकते हो। इसके ऊपर हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच जो सब्जा सीड्स भिगोए थे वो डाल देंगे। सब्जा सीड्स खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं, वो शरीर को ठंडक देता है। गर्मियों के दिनों में सब्जा सीड्स बहुत खाए जाते हैं, और फालूदा तो सब्जा सीड्स के बिना अधूरा ही लगता है। सब्जा सीड्स फैलाने के बाद इसके ऊपर रसमलाई के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, उसे भी हम एक लेयर कर देंगे, फैला देंगे ऊपर। और जब हम फालूदा ये खाएंगे तो ये रसमलाई के टुकड़े एकदम हमें खाने में। रसमलाई के ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो यहाँ पे एक बादाम और काजू पिस्ता तीनों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच सेवैया के डालेंगे। फिर से जो रबड़ी थी वो डाल देंगे, 3-4 बड़े चम्मच रबड़ी के डाल दीजिए। सब्जा सीड्स का लेयर करेंगे, तो 2 बड़े चम्मच सब्जा सीड्स डाल दीजिए। हमें इसी तरह से फालूदा के लेयर करते जाना है।
फिर से रसमलाई के टुकड़े डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी हम फैला देंगे। एक स्कूप यहाँ पे मैंने राजभोग आइसक्रीम लिया है, आप चाहो तो केसर पिस्ता भी ले सकते हो या प्लेन वेनिला आता है वो भी डाल सकते हो, पर राजभोग आइसक्रीम इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा फालूदा में। ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ता के टुकड़े डाल दिए और केसर डाल दिया है, तो हमारा जो ये रसमलाई फालूदा है एकदम रेडी है। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और एंजॉय करिए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।